एयर शो के इतिहास में अब तक कई घटनाएं दर्ज हैं, लेकिन पश्चिम जर्मनी की कैसल स्लॉटन सिटी का हादसा सबसे भयानक था। 28 अगस्त 1988 में हुए इस हादसे में 3 फाइटर जेट्स आपस में टकरा गए थे। इतना ही नहीं, आसमान में टकराने के बाद ये फाइटर जेट्स नीचे लोगों की भीड़ पर आ गिरे थे। हादसे में 3 पायलट समेत 70 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। दरअसल इस एयर शो में कई देशों ने हिस्सा लिया था, जिसे देखने के लिए करीब 3 लाख लोग जमा हुए थे। इस एयर शो में इटली एयरफोर्स के 9 फाइटर जेट्स ने भी हिस्सा लिया था। सिग्नल मिलते ही एक साथ सारे जेट्स ने उड़ान भरी और करतब दिखाना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैरतअंगेज करतबों के दौरान ये जेट्स आसमान में दिल की डिजाइन बनाने वाले थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और लोग इसका मजा उठा रहे थे। इस दौरान 8 विमानों को दिल की डिजाइन बनानी थी और 9वें जेट्स को दिल को भेदने वाला तीर का डिजाइन तैयार करना था। काफी ऊंचाई पर जाने के बाद 8 जेट्स गोता लगाने नीचे आकर डिजाइन तैयार करने लगे। दिल का डिजाइन लगभग पूरा हो चुका था और अब बारी 9वें जेट की थी, जिसे दिल को भेदने के लिए तीर बनाना था। तभी जेट के पायलट से एक गलती हो गई और वो तय जगह से प्लेन को ज्यादा नीचे ले आया और दोनों जेट्स आपस में टकरा गए। हालांकि बाकी जेट्स के पायलटों ने अपनी अपनी दिशाएं बदल ली और किसी तरह खुद को बचाने में सफल रहे, लेकिन जो जेट्स हादसे का शिकार हुए उसमें आग लग गई और वो सीधा नीचे खड़ी भीड़ पर आ गिरे। जेट्स के गिरते ही मंजर खौफनाक हो गया। आग के गोले में तब्दील हुए जेट्स के टुकड़े लोगों पर गिरने लगे। एक जेट का बड़ा मलबा सीधे उस जगह गिरा जहां लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ थी, जिसके बाद मौके पर ही अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें 70 लोगों की मौत हो गई जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।